हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रामर सीरीज़ में मैं आपको आप सभी को ग्रामर के लेसन्स दे रहा हूँ, आज के एपिसोड में आपको प्रोनाउंस के बारे में कम्प्लीटली एकदम पूरी तरीके से बताऊँगा। पिछले दो वीडियोज़ में नाउन और एडजेक्टिव के बारे में बता चुका हूँ, आज प्रोनाउन के बारे में बताऊँगा। और आप सभी जो इंग्लिश लर्नर्स हैं, नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं इंग्लिश के, उन सब के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज फ्लो होने वाला है। आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस वीडियो, सो लेट्स बिगिन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टू प्लीज़ आप मुझे थम्स अप कर देना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अगर अच्छा ना लगे तो थम्स डाउन कर देना और वो घंटी जरूर दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं प्रोनाउंस के दो पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। प्रोनाउंस के कुछ चार्ट हैं, नंबर्स प्रोनाउन, जेंडर, उसके बाद कुछ पार्ट टू में कुछ इस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मैं डिस्कस करूँगा, उसमें जाऊँगा। नाउंस, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बता चुका हूँ, जिसमें नाउंस एंड एडजेक्टिव क्लासेस हो चुके हैं प्रोनाउंस के बारे में। चलो शुरू करते हैं। तो पार्ट वन में हम यूजेज ऑफ प्रोनाउंस, ये सब इसके बारे में जानते हैं। तो प्रोनाउंस का चार्ट है, कॉमन यूजेज ऑफ प्रोनाउंस, ये इस तरीके से। Noun is the name of person, place or thing. Pronoun are used in place of noun. जैसे कि हमने देखा था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, Ben एक लड़का है, Ben एक noun है, एक proper noun है। Proper noun means एक particular जो है जिसके अपनी विशेष पहचान है, वो proper noun Ben है। अगर हम Ben की जगह Ben ना बुला के उसको he से बुलाएं, he से संबोधित करें, तो वो pronoun हो जाता है। अगर हम उसको Ben बुलाते हैं तो वो noun हो जाता है। लाइक इन दिस चार्ट ये बॉल दिया हुआ है, अगर हम बॉल को बॉल बुलाते हैं तो ये नाउन हो गया, अगर इस बॉल को इट कह के हम पुकारते हैं तो ये प्रोनाउन हो गया। जो चीज़ें नाउन की जगह जो शब्द यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। लाइक ही, ए प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू रिप्लेस द वर्ड्स फॉर पीपल, प्लेसेस और थिंग। नाउन्स को जो रिप्लेस करने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। लाइक ही स्विम्स, हु स्विम्स, ही सिम्स। प्रोनाउन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। हु, ही, ए, आई, यू, हू, ये सब प्रोनाउंस हैं। हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, देयर, ये सारे नाउन प्रोनाउन है, ठीक है। इस शॉर्ट में प्रोनाउन इज़ यूज टू पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो दिस इज़ देर इज़ अ बॉल लाइंग ऑन द टेबल, तो ये दिस हो गया, दैट हो गया, ये सब कुछ प्रोनाउन है। प्रोनाउन इज़ यूज टू रिफर टू अननेम्ड नॉन स्पेसिफिक पीपल आर थिंग। अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक पीपल हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका कोई नाम नहीं है, तो उनको भी हम रिफ़र करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। लाइक सेवरल, सेवरल ये भी एक प्रोनाउन है। प्रोनाउंस अवॉइडिंग रेपिटेशन, प्रोनाउंस कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड मोनोटोनस रेपिटेशन। यू विल ऑफन वॉन्ट टू रिफर टू सेम नाउन अ नंबर ऑफ टाइम्स विद इन कनेक्टेड सेंटेंसेज। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल इलस्ट्रेट हाउ नाउन सुसान इज यूज सेवरल टाइम्स। अगर आप किसी भी नाउन को बार बार यूज़ करते हैं, उसका रेपिटेशन बार बार हो, तो आदमी सुनने वाला भी बोरिंग हो जाता है, तो उस नाउन की जगह हम उसको रिप्लेस करके उसमें प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। लाइक इस शार्ट में दिया हुआ है नाउन, सुसैन एक नाम है, एक नाउन है। सुसैन गोज टू द पूल, सुसैन वॉक्स एट लेकवुड पूल। बेन आस्क सुसैन इफ सुसैन वॉन्ट्स अ पार्टी, सुसैन ये तो नाउन हो गया। द यूज ऑफ अनदर पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन कैन अवॉइड रिपीटेशन। नाउन सुसैन गोज टू द पूल, ऐसे नाउन के रूप में यूज़ कर, अगर प्रोनाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं तो सुसान की जगह हम सी यूज़ करते हैं। सी वर्क्स एट लैकवुड पूल। बेन आस्क्ड हर इफ सी वांट्स अ पार्टी,
बेन कहता है पहले यहाँ पर बेन ने सुसान को नाम से संबोधित किया था, बट यहाँ पे नाम से संबोधित ना करके उसको ही या सी के रूप में संबोधित किया, उसको प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ किया। द मोस्ट कॉमन टास्क फॉर प्रोनाउंस इज रिप्लेसिंग नाउन्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नाउन्स को प्रोनाउन रिप्लेस करता है। अब बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है, और उससे भी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अगर इंग्लिश लर्निंग सीखनी है तो ये पार्ट ऑफ द स्पीच ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा। प्रोनाउंस के बारे में आपको पता ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इंग्लिश कभी सीख ही नहीं सकते। इवन दो आप लिसनिंग करके इंग्लिश सीख भी जाएंगे तो आप राइटिंग नहीं सीख पाएंगे कभी। तो आपको इंग्लिश ग्रामर आना बहुत ही ज़रूरी है। पर्सनल प्रोनाउन, अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। द मोस्ट कॉमन आर पर्सनल प्रोनाउंस, आई यू ही सी इट वी दे। दिस प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे रिफर मोस्ट ऑफ टू पीपल, ऑल्दो दे कैन ऑल्सो रिफर टू थिंग्स। ये सब लोग पीपल लोगों के लिए यूज होते हैं हालांकि, तो ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। ये पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज टू रिप्लेस वर्ड्स फॉर पीपल प्लेसेस और थिंग्स। पीपल कोई लोग हैं, जगह या कुछ चीज़ें, उनके नाम को रिप्लेस करने के लिए। अगर ये फैन इज रनिंग, पंखा चल रहा है, ये फैन यूज कर सकते हैं, नाउन हो गया। बट अगर हम किसी से कहें हे लुक देयर इट इज़ रनिंग फॉर फैन, तो ये फैन हो जाएगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन मोस्ट पर्सनल प्रोनाउंस रिफर टू नंबर, जेंडर, ग्रामर। अ पर्सन्स फॉर्म प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। यू आर सिमिलर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, जेंडर एंड इंग्लिश नाउंस, यू नो। ऐसे आप इसमें देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन ए आई ई ही यू मी दे इज अ पर्सनल प्रोनाउन। फ्रॉम यू नो दिस फॉर्म रिफर्स टू द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्रोनाउंस हैव इन कॉमन, ग्रामर पर्सन एंड इधर आप देख सकते हैं, पर्सन स्पीकिंग, पर्सन स्पोकन टू, पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। ठीक है, सिंगुलर पर्सन हो गए आई यू ही सी इट, जब किसी एक बंदे की बात होती है तो सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। जब हम एक से अधिक बंदों की बात होती है तो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, जैसे वी यू दे, ये प्लूरल प्रोनाउन हो गया। सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, जेंडर, जेंडर भी आता है कि स्त्री है या पुरुष है, या फिर कोई ऐसी वस्तु है जिसका ना ना स्त्री है ना पुरुष है। ही मस्कुलिन प्रोनाउन हो गया, सी फेमिनाइन प्रोनाउन हो गया, इट न्यूटर हो गया, इसका कोई जेंडर नहीं है। तो ये तीन जेंडर की बात होती है, वो भी प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, ग्रामर पर्सन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। एवरी पर्सनल प्रोनाउन इज क्लासीफाइड वेदर इट इज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ग्रामर पर्सन में हमेशा फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन की बात होती है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब एक के बाद एक हम देखते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे हमने सिंगुलर सिंगुलर बोला कि कुछ कुछ एक एक पर्टिकुलर बंदे की बात होती है सिंगुलर होता है, जब एक से अधिक लोगों की बात होती है तो प्लूरल होता है। यूज इन प्लेस ऑफ स्पीकर और स्पीकर्स, आई लव अमेरिका। और अगर दूसरे चार्ट में गए तो वी लव अमेरिका प्लूरल हो गया। आई रिप्लेसेस मारिया को, आई रिप्लेस कर देता, इधर सुसैन और मारिया को वी रिप्लेस कर देता। तो ये नाउन्स थे, इसको पर्सनल प्रोनाउन ने रिप्लेस कर दिया। सेकंड पर्सन प्रोनाउन देखते हैं, यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और पर्सन स्पोकन टू। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बोलता है। लाइक इस सेकंड चार्ट में आप देखो, यू स्विम वेल, आप बहुत अच्छा तैरते हो। यू रिप्लेसेस मारिया, मारिया को यू ने रिप्लेस कर दिया। यू स्विम टूडे, यू रिप्लेस बेन एंड जैक, बेन एंड जैक को यू ने रिप्लेस कर दिया। तो ये हो गया सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो बोलता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो गया जिससे बोलता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया जिसके बारे में बोलता है। इस चित्र में, इस फिगर में आप देख सकते हैं, ही रिप्लेसेस जैक अ पर्सन, ही लव्स हमबर्गर्स,
ही ने रिप्लेस कर दिया जैक को, सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। जैक एक पर्सन है, वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया, और वो हमबर्गर के बारे में बात हो रही है तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया। लाइक दे रिप्लेसेस पेरेंट्स एंड रिफर्स टू पीपल, दे विजिट द पूल, टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। तो किसी जब तीसरी चीज़ के बारे में बात होती तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया। पर्सनल प्रोनाउंस रिफर टू पर्सन्स, द एक्सेप्शंस आर द प्रोनाउन इट विच रिफर्स टू इनएनिमेट थिंग्स एंड द प्रोनाउन दे विच समटाइम्स रिफर टू इनएनिमेट थिंग्स। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे इट और दे का प्रयोग इनएनिमेट चीज़ों के लिए होता है, ऐसी चीज़ें जो निर्जीव होती है जिनमें कोई जान नहीं होती, द इनएनिमेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं द नंबर ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस सो ईदर सिंगुलर और प्लूरल नंबर, इस चार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। व्हेन यू लुक एट द चार्ट ऑन द अपोजिट पेज यू सी दैट प्रोनाउंस लिस्टेड ऑन द लेफ्ट रिफर टू वन पर्सन ऑफ द वर्ड्स, ऑन द राइट इंडिकेट मोर देन वन पर्सन। यहाँ देख सकते हैं सिंगुलर रिफर्स टू वन पर्सन और थिंग, एक बॉल है, इसमें एक से अधिक बॉल है, लाइक नंबर में सिंगुलर आई यू ही सी इट सिंगुलर के लिए यूज होता है, वी यू दे ये सब प्लूरल के लिए यूज होते हैं। ये सब बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को पढ़ना है। नाउ दैट वी हैव कवर्ड पर्सन एंड नंबर, लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द जेंडर ऑफ प्रोनाउंस। रिमेंबर मैस्कुलिन फेमिनिन एंड न्यूट्रल नाउंस फ्रॉम चैप्टर वन, सिंस प्रोनाउंस प्रोनाउंसेस टेक द प्लेस ऑफ नाउंस, यू विल ऑल्सो फाइंड मैस्कुलिन फेमिनाइन एंड न्यूट्रल प्रोनाउंस, बट यू नीड टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई देम। पिछले चैप्टर में हमने पर्सन और नंबर प्रोनाउंस के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, सेकेंड एंड प्लूरल नंबर, सब बारे में पढ़ा है। अभी हम जेंडर की बात करने जा रहे हैं। थ्री जेंडर्स डिफ्रेंशिएट द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस, ही सी इट, लाइक ही मैस्कुलिन के लिए, सी फेमिनाइन के लिए, पुरुष के लिए ही, स्त्री के लिए सी, और न्यूटर जिस जो ना स्त्री है ना पुरुष है, कोई न्यूटर चाहिए उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। वी से जनरली है बिकॉज प्रोनाउंस डोंट ऑलवेज फॉलो दिस सिंपल रूल्स, एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज मेल्स और फीमेल्स एंड समटाइम्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स सच एज शिप्स बोट्स आर रिफर टू एज सी। जो पशु होते हैं उनके लिए भी मेल फीमेल ये सारी इस तरीके की चीज़ें यूज हो सकती हैं, और जो चीज़ें है ही नहीं, कोई जेंडर नहीं हो तो न्यूट्रल है। जेंडर डज नॉट डिफ्रेंशिएट द प्रोनाउंस आई यू वी दे, आई यू वी दे के ये जेंडर को डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। ठीक है, नीचे इस चार्ट में देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। फर्स्ट पर जैसे आप देख, फर्स्ट पर्सन, पर्सन हो गया सिंगुलर हो गया प्लूरल हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई हो गया, सेकंड पर्सन यू हो गया, थर्ड पर्सन ही सी इट हो गया। प्लूरल में अगर बात करें तो आई सिंगुलर, वी प्लूरल, यू सिंगुलर, यू प्लूरल, सी ही सी इट सिंगुलर, दे प्लूरल। फर्स्ट पर्सन जब एक आदमी जो बात करता है, सेकंड पर्सन जिससे बात करता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करता है। ठीक है, अनदर पर्सन प्रोनाउंस, यू नो पॉसेसिव प्रोनाउंस, अ प्रोनाउन यूज्ड टू शो पॉसेशन इज कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउंस। अगर कोई आप वो अधिकार दिखाते हैं किसी चीज़ के लिए, कोई पॉसेशन, तो पॉसेसिव प्रोनाउंस होता है। जैसे पॉसेसिव नाउन था, उसमें अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ किया था हमने, आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें भी यू हैव लर्न द पॉसेसिव नाउन एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड व्हाट इज़ बीइंग ओन्ड। ओनर और ओन्ड और जो चीज़ है उसके बीच जो रिलेशनशिप डेवलप करता है वो पॉसेसिव नाउन में हमने पढ़ा है। अभी पॉसेसिव प्रोनाउन में जैसे यूज होता है फॉर्म ऑफ नाउन, जैसे माइन, ये तो मेरा है, योर्स ये तो तुम्हारा है, हिज उसका है, हर्स उसका है, स्त्री के पक्ष में, इट्स न्यूट्रल जेंडर, आर्स हमारा है,
योर्स आपका है, देयर्स उनका है, तो जो ओनर है और जो ओन्ड है उनके बीच जो रिलेशनशिप डेवलप की जाती है वो पॉसेसिव प्रोनाउंस के अंदर होती है। जैसे कि हम चार्ट में देखें, इट्स माइन, द स्पीकर आना टॉकिंग अबाउट हर होला हो, ठीक है, इसमें आप सीधा सा देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से इस चार्ट में दिखाया गया पॉसेसिव प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन माइन रिफर्स टू फर्स्ट, जैसे हमने बोला देखा था फर्स्ट पर्सन आई के लिए यूज़ होता है, सेकंड पर्सन यू के लिए यूज होता है, थर्ड पर्सन वी सी ही के लिए यूज होता है। तो अगर आई एक अकेला बंदा किसी चीज़ पर दिखा दिखा रहा तो वो माइन हो गया, ये मेरा है, दिस इज़ माइन, ये आपका है, दिस इज़ योर्स। और सेकंड पर्सन यू अगर थर्ड पर्सन यूज़ करता है तो उसका हर्स उसका करें, ठीक है। द पार्ट टू इन दिस चैप्टर विल ऑफर मोर डिटेल्स अबाउट द यूज ऑफ प्रोनाउंस एज वी कंक्लूड दिस सेक्शन अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस, लुक एट द नाउन प्रोनाउन एग्जाम्पल्स गिवन विद ईच इमेज। ये देखो जैसे इसमें नाउन प्रोनाउन में रिलेशनशिप दिखाया गया, नाउन कॉम्बिनेशन प्रोनाउंस हिज फादर, और दूसरे चार्ट में हिज मदर, प्रोनाउंस ही हिम हिज, ये सब प्रोनाउंस हो गए, फादर ये सब नाउंस के लिए हो गया, ठीक है। मैनी पॉसेसिव फॉर्म्स कैन प्ले डबल रोल, दे कैन बी यूज एज एडजेक्टिव इन द कॉम्बिनेशन विद नाउंस बट एज प्रोनाउंस दे स्टैंड अलोन। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स इंक्लूडिंग हिज हर्स ये पॉसेसिव प्रोनाउंस के अंदर आते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनाउंस यूज इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, हाँ प्रोनाउन इज ऑफन यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, हु व्हाट वेयर दे ये सब प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हु एंड व्हाट आर क्वेश्चन वर्ड्स एंड वी लर्न मोर अबाउट दिस इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रोनाउन सीरीज। प्रोनाउंस पॉइंटिंग आउट पीपल आर थिंग, अ प्रोनाउन कैन बी यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पर्सन प्लेसेस आर थिंग लाइक this that these those are pronouns commonly used to point out people places or things without naming them as pronouns they stand alone however in the context they must refer to someone or something that has already been mentioned they often indicate the location of people things as being near or far from the speaker in form they can also show as illustrated in this example chaliye aap dekhte hain सिंगुलर प्रोनाउंस रिफर टू वन पर्सन और थिंग, अगर सिंगुलर प्रोनाउन है वो किसी एक चीज़ की बात करेगा, ये जैसे हमबर्गर या पीज बर्गर की बात हो रही है, हमबर्गर में इसमें दिया हुआ सॉरी ही दिस हमबर्गर दिस यूज हुआ है इसके लिए, ठीक है। दिस दैट अगर मोर देन वन है तो उसके लिए दोज दिस होता है। तो प्रोनाउंस यूज होते हैं किसी चीज़ पे रिलेशनशिप दिखाने के लिए भी, प्रोनाउंस नेमिंग नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, और नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स के लिए भी यूज होते हैं। दिस प्रोनाउंस रिफर टू पीपल प्लेसेस थिंग्स इन जनरल, बाय लुकिंग एट देयर फॉर्म्स यू कैन सी विदर दिस प्रोनाउंस रिफर टू वन और मैनी। सिंगुलर प्रोनाउंस रिफर टू पर्सन और थिंग्स, ईच समबडी समथिंग एनीथिंग, ये सारी बहुत सारे आपने कई जगह देखे होंगे, तो ये सिंगुलर प्रोनाउंस के रूप में होती है, ये सारे ही प्रोनाउन है। प्लूरल प्रोनाउंस में बोथ सेवरल फ्यू मैनी ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं जो कि प्लूरल में आते हैं। आगे के चैप्टर्स में बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ आपको, देखिए किस तरीके से इसमें बढ़िया चार्ट बना हुआ है। समबडी ऑलवेज टेक्स द फ्लिपर्स, द प्रोनाउन समबडी रिफर्स टू एन अननेम्ड पर्सन, समबडी जिस पर्सन का कोई नाम नहीं है, वी डोंट नो इफ सी इज़ अ बेबी और अ गर्ल, वो बॉय है अ गर्ल है कौन है वी डोंट नो। समथिंग सेवरल इंडिकेट्स अनस्पेसिफिक पीपल अटेंडिंग द स्विमिंग मीट, कितने लोग हैं कुछ पता नहीं है बट एक अंदाज़ा है। तो अभी पार्ट टू में हम क्या पढ़ने वाले हैं, What jobs can pronouns do? Pronouns काम क्या करते हैं, अभी तो हमने पढ़ा कि सिंगुलर प्रोनाउन, प्रोनाउंस आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, नंबर्स फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन
फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा है, जेंडर मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है या फिर न्यूट्रल है, उसके हिसाब से हमने यूज पोसेसिव प्रोनाउंस लाइक प्रोनाउंस यूज टू इंट्रोड्यूस क्वेश्चन हु व्हाट दे वेयर, ठीक है, हमने ये सब पढ़ा। सेकंड प्लान आखिर प्रोनाउन आखिर करते क्या, ओ व्यू देखते हैं एक बार। सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड पोसेसिव प्रोनाउंस, द रोल्स प्रोनाउंस कैन प्ले, डिवाइड देम इनटू थ्री डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। एक तो फर्स्ट हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, थर्ड वन इज पोसेसिव प्रोनाउंस। चलिए आगे देखते हैं, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से हम पढ़ेंगे। फिर ये देखिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, पर्सन और थिंग। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट नाउन एंड पोसेसिव प्रोनाउन रिप्लेसेस पोसेसिव नाउन्स। लाइक स्टार्ट में हम देख सकते हैं नाउन्स, सब्जेक्ट नाउन क्या है, बेन मारिया, इसमें सब्जेक्ट नाउन थे, उसको ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउंस ने कैसे रिप्लेस किया, प्रोनाउन ने, देखो बेन को ही ने रिप्लेस किया, मारिया को सी ने रिप्लेस किया। वैसे ही नाउन ऑब्जेक्ट नाउन है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, बेन मरिया, बेन के लिए हिम यूज हुआ है और मरिया के लिए हर यूज हुआ है, ठीक है। थर्ड पर्सन हो गया जिसके बारे में बात किया जाता है, जो नाउन की परिभाषा ही है, दिस इज द एक्चुअली द डिफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन, प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, तो यहाँ पे प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर रहा है। इसी तरीके से पॉसेसिव प्रोनाउन में भी, जैसे हमने पॉसेसिव नाउन में अपोस्ट्रॉफी एस यूज होता है एक दो चीज़ों के बीच रिलेशनशिप दिखाने के लिए, ऐसे ही पॉसेसिव प्रोनाउन, बेंस को हिज ने रिप्लेस किया, मरिया को हर्स ने रिप्लेस किया, ये है पॉसेसिव प्रोनाउन, ये और ये पॉसेसिव नाउन, इसमें डिफरेंस है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, अभी एक बार और रिप्लेस सीख रहे हैं इसमें। यू ऑलरेडी लर्न इन पार्ट वन दैट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रामर पर्सन, अबाउट ग्रामर पर्सन नंबर जेंडर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो हु स्पीकिंग, सेकेंड पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात कर रहा है, थर्ड पर्सन इज स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहा है। सिंगुलर वन इन नंबर, प्लूरल मोर देन वन इन नंबर, जेंडर मैस्कुलिन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल। द रोल प्लेड बाय प्रोनाउन इन द सेंटेंस डिटरमाइंस वेदर अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड। इस फॉलोइंग चार्ट में देखते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस देखिए, सिंगुलर में आई, यू, ही, इट, सी, इट्सेट्रा यूज हुआ है, प्लूरल में वी, यू, दे यूज हुआ है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है इसमें, इस वीडियो में आपको। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देख लिए, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में मे, यू, ही, और ये सिंगुलर हो गया, वी, यू, दे, यह सब प्लूरल हो गया। पोसेसिव में जो दो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, योर्स, देयर्स, इन केस ऑफ प्लूरल। पोसेसिव प्रोनाउन स्टैंड्स अलोन एंड शोज रिलेशनशिप और ओनरशिप, इट हैज़ नो अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी इसमें नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन विल इलस्ट्रेट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू नो प्रोनाउंस, चार शोज यू हैव टू फाइंड मैचिंग प्रोनाउंस। ग्रेट स्टार्ट, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउन आइडेंटिफाइज व्हाट द सेंटेंस इज ऑल अबाउट, जैसे इस चार्ट में बताया गया, एग्जाम्पल विद अ पर्सन एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, मरिया स्विम्स, मरिया एक सब्जेक्ट है जो तैरती है, सिंगुलर प्रोनाउन, उसको हम ही, सी, इस तरीके से रिप्लेस करके नया सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें है मरिया स्विम्स, इसको बना सकते हैं सी स्विम्स। इस तरीके से आपने देखा कैसे नाउन्स को सारे प्रोनाउन रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में देखें, द पूल ओपन्स, इट ओपन्स, पूल ओपन्स नाउन है, इसको हम प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं, इट ओपन्स, ठीक है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस टुगेदर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस रिसीव्स एक्शन ऑफ द वर्ब इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्शन वर्ब। जैसे इस चार्ट में दिया गया है, चार्ल्स रोट अ बुक, परफॉर्मर और एक्टर कौन है यहाँ पे, चार्ल्स,
रिसीविंग कौन है, एक्शन का बुक, बुक लिखी जा रही है, ठीक है। तो एक्शन वर्ब के तहत हमने इस तरीके से देखा कैसे नाउन्स प्रोनाउंस को रिप्लेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स इस आप एग्जांपल में देखिए, द फ्रेंड्स लव मरिया, द फ्रेंड्स कौन है, परफॉर्मर है, एक्टर है, मरिया कौन है, रिसीविंग में है, रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब का एक्शन रिसीव कर रही है। यहाँ पे फ्रेंड्स सब्जेक्ट नाउन, दे थर्ड पर्सन है, मरिया सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन में हर उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया। ये देखो सब्जेक्ट नाउन्स और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सिंगुलर में आई यू ही सी इट हो गया, अगर प्लूरल में आई का वी हो गया, यू दे हो गया, सिंगुलर में इधर वी यू दे, प्लूरल में अस दे फॉर्म हो गया, दे लव हर, इस तरीके से कैसे बहुत बढ़िया तरीके से आप देखें, ठीक है। डिफरेंट जॉब ऑब्जेक्ट्स प्रोनाउन विद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ कैसे ये यूज़ होते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन्स आर ऑल्सो यूज विद प्रीपोजिशंस, यू हैव लर्न दैट एक्शन वर्ब्स एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन्स गो टुगेदर, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन ऑफ द वर्ब, ही यू माइन, ये सारे हमने देखे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको पढ़ सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, बेन स्टैंड्स अंडर द लाइफ गार्ड चेयर, अंडर एक प्रीपोजिशन हो गया, लाइफ गार्ड ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। नया सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, बेन स्टैंड्स अंडर इट, ठीक है, अंडर लाइफ गार्ड चेयर को हम लाइफ गार्ड चेयर हटा के उसको पॉइंट कर सकते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अंडर गार्ड, इसकी जगह हम इट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने देखा कैसे सारे सेंटेंसेस में नाउन्स प्रोनाउंस को, नाउन्स को प्रोनाउन रिप्लेस कर रहे हैं। पॉसेसिव प्रोनाउंस देखें, पॉसेसिव प्रोनाउंस शोज रिलेशनशिप और ओनरशिप, रिलेशनशिप और ओनरशिप जब दिखानी होती है तो पॉसेसिव प्रोनाउंस यूज होते हैं, इसके लिए हर्स माइंस योर्स इस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स आस्किंग अबाउट सब्जेक्ट, द क्वेश्चन हु इज़ यूज टू आइडेंटिफाई पर्सन एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट, द क्वेश्चन वर्ड व्हाट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे हम क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी प्रोनाउंस हु, जैसे यहाँ पे है, अगर नाउन की बात करें सुसैन स्विम्स, सुसैन तैरती है, ये नाउन है, अगर इसको हम हु स्विम्स क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो प्रोनाउन हो गया, पूल ओपन्स ये हो गया नाउन, पूल ओपन्स, व्हाट ओपन्स तो ये हो गया प्रोनाउन, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ही लव्स हर, हु लव्स हूम, ठीक है। क्वेश्चन प्रोनाउन भी, ही रोट इट, हु रोट व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन हुज, Whose is used to identify possession or ownership? ठीक है, It's mine. Whose it? Whose is it? ये मेरा है, ये किसका है? इस तरीके से और व्यू ऑफ प्रोनाउंस एक बार देखते हैं। So guys, congratulations. You have now learned how to replace nouns with the pronouns to make more interesting sentences. At the conclusion of chapter 1, nouns, we introduce a Venn diagram with the noun trophy. This overview uses the same sentences but replaces the noun trophy with appropriate pronoun. जैसे Venn diagram में आप देखें, subject pronoun, it belongs to Ben. Possessive pronoun, its cup is big. ये Ben के लिए it use हुआ है, इसमें ये किसका है, its, ये relationship दिखाने के लिए use हुआ है, possessive pronoun, ठीक है। इस तरीके से प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस विद प्रीपोजिशन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये देखो कैसे डायरेक्ट सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो गया, पॉसेसिव हो गया, रिलेशनशिप दिखाने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन वर्ब यूज़ की जा सकती है, प्रीपोजिशन के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज दी हुई है, इस एक्सरसाइज में
फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है, सिंगुलर प्लूरल क्या है, आप बच्चों आप इस एक्सरसाइज के थ्रू जा के देख सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक और इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें वर्ब्स की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट विल बी वर्ब्स, उसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। वर्ब फैमिलीज, टाइप ऑफ वर्ब्स, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, यू नो फोर प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल पार्ट, बेस फॉर्म, सेकंड प्रिंसिपल फॉर्म, पास्ट फॉर्म, द थर्ड प्रिंसिपल प्रिंसिपल पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फोर्थ प्रिंसिपल पार्ट, पास्ट पार्टिसिपल, और पार्ट टू में हम चर्चा करेंगे यूजेस क्या हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स, नॉन एक्शन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इस तरीके के ओवरव्यूज हम पढ़ेंगे। और आपके इस प्रोनाउन के एपिसोड में इतना ही। अगर इस ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, बेल आइकॉन जरूर दबा देना। बच्चों मेरा उद्देश्य, माय लोन पर्पज इज़ टू मेक यू हेल्प, टू हेल्प यू लर्न इंग्लिश। आप सभी को इंग्लिश सिखाना, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोफेशनल लैंग्वेज बन चुकी है आपकी। और इसी यूट्यूब चैनल में कुछ स्पीकिंग क्लासेस, लर्निंग पॉडकास्ट भी मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ, ताकि आप ग्रामर के साथ साथ स्पीकिंग करें, सुन सकें, लर्न कर सकें। उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बताता हूँ, इडियम फ्रेजेस सीरीज भी मैं लाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, एपिसोड में आपको मैं अभी वाइंड अप करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन जरूर दबाना, घंटी जरूर दबाना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग एंड कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।